काला धागा क्यों पहने? काला धागा कब पहने? काला धागा और शनि कनेक्शन, किन के बॉडीगार्ड बन जाते हैं शनि? किन की 2400 घंटे शनि करते हैं सुरक्षा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है कुछ हो या ना हो लेकिन नजर जरूर। जी हाँ, नजर बुरी नजर ऐसी होती है कि खिले हुए पौधे को भी मुरझा देती है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काले धागे के बारे में, जो आपने अमूमन लोगों के पाँव में देखा होगा, हाथ में देखा होगा, गले में पहने हुए देखा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार काले धागे को बुरी नजर से क्यों जोड़ा जाए, क्यों कहा जाता है कि बुरी नजर से बचने के लिए काला धागा पहनना चाहिए, और किस प्रकार काला धारण करते ही व्यक्ति की रक्षक बन जाते हैं शनि महाराज। जी हाँ, शनि का काला धागे से क्या कनेक्शन होता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बुरी नजर का काले धागे से क्या कनेक्शन होता है और यहाँ शनि की एंट्री कैसे हो जाती है। देखिए, आपने देखा होगा जनरली बच्चों में गली में भी काला धागा पहना देते हैं, बच्चा पैदा होता है काला धागा पहना, किसी किसी गले में चाहे तो सुअर का दान भी होता है, उसको काले चीज में बांध कर उसको लपेट कर डालते हैं, कोई काविज डालते हैं काले रंग का, और कुछ लोग काला धागा अपने लेफ्ट फुट में या राइट फुट में पहनते हुए आपने देखा है अक्सर लोगों को। तो उसके पीछे वजह क्या है कि अगर आपको जिन व्यक्ति को बहुत जल्दी नजर लगती है कि छोटी छोटी चीज पर उनको नजर लग गई, किसी ने तारीफ कर दी तो नजर लग गई, कहीं से वो गुजरे तो किसी की हाय पड़ गई, नजर पड़ गई, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य बाधा जी आए दिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, अगर आप ये करते हैं तो इससे बड़ा फायदा मिलता है। तो अक्सर लोग नजर दोष दूर करने के लिए या नजर से बचने के लिए काले धागा पहनते हैं, हाथ में भी पहनते हैं, पैर में भी पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, कुछ लोग कमर में भी बांध पाते हैं, जिससे कि हमें नजर जो हमारे ऊपर लगी हुई है वो नजर दोष दूर हो जाए। तो हम आपको बताते हैं आखिर ये कारण क्या है कि क्यों पहना जाता है। देखिए, बुरी नजर से प्रभाव के लिए तो आपको पता ही है कि काला रंग जो है उसको बांधने से बुरा प्रभाव दूर होता है, साथ साथ कुंडली में राहु केतु और शनि से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु शनि या केतु की दशा चल रही है और ये ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं तो काला धागा बांधने से क्या रहेगा कि आपको उनके अशुभ फल में कमी आएगी। और अगर छोटी मोटी को नजर लगी, अगर बड़ी नजर लगी हुई है तो वो उससे इतनी बेहतर तरीके से ठीक नहीं हो पाती। अगर छोटी मोटी नजर है तो वो काला धागा धारण करने से आपको काफी रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस से राहत मिलती है। अब आप देखो घर में माताएं बहनें जो है नजर उतारती नहीं अपने बच्चों की, और नजर उतरने के बाद बच्चा रोना जो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, कई दिनों से रोना बंद कर देता है, खाना छोड़ दिया है वो खाना खाना शुरू कर देता है। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी नजर होती है, बहुत ही छोटे लेवल की नजर होती है, इसको इस तरीके से काला धागा पहनकर उतारा जाता है। तो बेसिकली शनि का प्रभाव कम करने के लिए, राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए, शनि राहु केतु की दशा चल रही हो, शनि की महादशा अंतरदशा हो, शनि की साढ़े साथी हो, शनि की ढैया हो, उस समय में नजर लगना लाजमी है, तो उसको कम करने के लिए ये शनि का काला धागे का धारण किया जाता है, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं कष्टों से मुक्ति मिलते हैं। आपने देखो बहुत से लोग घोड़े के नाक का छल्ला भी डालते हैं और अपने घर के बाहर भी लगाते हैं जी, या काली हांडी लगाते हैं अपने घर के बाहर जिससे किसी की नजर न लगे, काला जूता लगाते हैं जी। तो ये सब चीजें की जाती है तो शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए की जाती है। मैं जी, अपन जब काला धागा धारण करते हैं तो कई दफा ये कहा जाता है कि इसे अभिमंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, अक्सर ऐसे कोई अभिमंत्रित की धागे में तो कोई बात नहीं होती है। अगर आप नजर दोष यंत्र या कवच धारण करते हैं तो उसको सिद्ध करवा कर ही पहनना चाहिए। आमतौर पर मार्केट में नजर दोष कवच यंत्र मिल जाते हैं 100, 200, 500 रुपए के, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होते। जब तक उनका मंत्रोच्चारण करके, जाप करके किसी विद्वान ज्योतिषी या ब्राह्मण से उसका सिद्ध ना करवाया जाए तब तक वो नजर दोष कवच जो है प्रभावी नहीं होता है और अपना असर नहीं दिखाएगा। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर आप काला धागा किसी भी तरीके से अपने गले में बांधते हैं, पैर में बांधते हैं या हाथ में बांधते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी को भी आपसे दूर कर देता है। अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, दिन भर आपके अंदर आलस्य रह रहे हैं, नजर के चलते आप हर काम में आलस्य कर रहे हैं, हर काम में नेगेटिविटी आ रही है और आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, चलने का मन नहीं हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है और दिन में सोते हैं जी, तो नजर लगने का सबसे बड़ा लक्षण ये है।
तो जिसके चलते ये धागा धारण करने से एक तो नेगेटिविटी दूर होगी और इसे बच्चे महिलाएं पुरुष कोई भी इसको धारण कर सकता है और इसको पैरों में भी धारण कर सकते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि काला धारण काला धागा पहनने का दिन कौन सा होता है, क्या आप इसे किसी भी धारण कर सकते हैं? देखिए उससे पहले बता दें काला रंग जो है शनि ग्रह से संबंधित है, जैसे हम कहते भी आ रहे हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि पैरों में शनिदेव का वास होता है, इसलिए अगर ये पैरों में धारण किया जाए तो ये विशेष लाभ उसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा आज दिन पुरुष महिलाएं या लड़की लड़कियां बच्चे पैरों में उनको जरूर डाल काला धागा डालते हैं जिससे कि ये शुभ फल का उनको परिणाम मिलता है। कहा जाता है कि अगर पैर में अगर आप ये बांधते हैं आप तो बढ़िया साढ़े सात इंच यानी कि अंतरदशा और राहु की महादशा और केतु की महादशा है तो उसका प्रभाव कम होता है और अगर आपको बहुत ज्यादा नजर लगती है तो वो भी इससे उसका प्रभाव कम होता है और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपकी तंगी है तो वो भी देखा जाता है कि कम होती है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सप्ताह के कौन से दिन इसको पहनना चाहिए और कौन से दिन नहीं पहनना चाहिए। जी देखिए सप्ताह में मंगल और शनिवार के दिन पैर में काले रंग का धागा पहनना बहुत ही शुभ रहता है। कहते हैं कि उस दिन अगर हम संध्याकालीन के समय पहनेंगे काला धागा तो विशेष लाभकारी साबित होता है, बुरी नजर से हमारी बचाव करता है और इसके साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि की जो है वृद्धि भी होती है। लेकिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि पैरों में काला धागा केवल मंगल और शनिवार के दिन बांधे, किसी और दिन बांधेंगे तो उसको कोई शुभ परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों ये दिन जो है शनिदेव से संबंधित होते हैं और इस दिन काला रंग का धागा बांधना विशेषकर शनिवार के दिन लाभकारी माना गया है। संध्याकाल के समय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया चीज रहती है। और साथ ही साथ बताएं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग पैरों में इसको बांधें, यानी कि पुरुष जो उसको दाहिने पैर में बांधे राइट फुट में और जो महिलाएं हैं उसको बाएं पैर में बांधे, तब जाकर इससे नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपसे दूर रहेंगी और आपके काम में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है तो वो भी आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। महंगे बस जाते जाते एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अमूमन जब कोई हमें देवी देवता की कोई प्रतिमा गिफ्टेड करता है तो हम उसकी पूजा नहीं करते, कहते हैं कि पूजा हमेशा आप अपने पैसों की करें, अपने धन से करें तभी आपको पूजा फल दी है। ऐसे में काला धागा अगर कोई आपको गिफ्ट में देता है क्या आपको उसे पहनना चाहिए या फिर अपने पैसों से ही खरीदे हुए काला धागा आपको धारण करना चाहिए? देखिए इसमें ऐसी कोई मान्यता नहीं है, अगर कोई आपको गिफ्ट भी करता है तो वो भी आप पहन लेना चाहिए, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी से अभिमंत्रित करवा के लेंगे तो भी आपको किसी दूसरे के थ्रू लेना होगा तो आप लेके सिर से पहन सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं है। बस दो राशि वाले ध्यान रखें कि मेष राशि वृश्चिक राशि वाले जो है क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो उनको काला धागा धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा ये दो राशि वृश्चिक उनको काला धागा डालने से बचना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, अन्यथा इनकी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि इन दोनों राशि के स्वामी जो है मंगलदेव है और कहीं ना कहीं परेशानियां आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी। और कहते हैं ना कि भाई मंगल जो देव है उनको काले रंग से बैठ, तो अगर कहीं ना कहीं वो मेष जो वृश्चिक राशि वाले ये धागे डाल लेंगे तो दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है, रहेगी उसलिए एक बार अपनी कुंडली दिखाकर ही काला धागा धारण करें। कई लोग ये भी करते हैं कि काला धागा धारण करने के बाद नॉन वेज खा लेते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ब्रेड पर लेट जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप किसी गृहस्थी में जा रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, तो वहां पर भी ये काला धागा पहनकर नहीं जाना है, इन चीज का विशेष ध्यान रखेंगे तो ये सावधानी आपके लिए बेहतर। जी चलो तो ये थे समय जी जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस प्रकार काला धागा धारण करने से ना सिर्फ बुरी नजर से बचा जा सकता है बल्कि शनि उसकी सुरक्षा करने रहते, यानी कि शनि महाराज का कवच कहलाया जाता है काला। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।